19 महीने बाद आज से खुल गए दिल्ली के स्कूल, नर्सरी से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं आज गुलजार। दिल्ली में सुबह स्कूल पहुंचे छात्रों को सबसे पहले सिखाया गया सेहत का सबक, व्यायाम पर दिया जा रहा है जोर। दिल्ली के राजनिवास मार्ग पर बने राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में दिखी हैरान करने वाली तस्वीर, मास्क में नजर आए सभी बच्चे लेकिन बिना मास्क के बच्चों को हिदायत देता दिखा एक शिक्षक। डीडीएमए ने 8वीं तक के क्लास के लिए जारी की गाइडलाइन, एक क्लास में 50% छात्रों को बिठाने की इजाजत। स्कूलों को डीडीएमए की सख्त हिदायत, किसी भी छात्र को स्कूल आने के लिए ना किया जाए मजबूर। बिना वैक्सीन के स्टाफ को स्कूल में नहीं मिलेगी एंट्री, खाना और किताबों सहित किसी भी सामान को शेयर ना करने की हिदायत। आज से केरल में भी स्कूलों में पढ़ाई शुरू, कोविड नियमों को लेकर बच्चों को जागरूक करेंगे शिक्षक। देश में फिर बज रही कोरोना के खतरे की घंटी, धीरे धीरे कोरोना केस में हो रहा इजाफा, कल 24 घंटे में 12,830 नए कोरोना केस आए सामने। कल 24 घंटे में कोरोना से 440 लोगों की गई थी जान, असावधानी बढ़ा रही है चिंता। केरल में कोरोना का कहर जारी, कल 24 घंटे में केरल में 7,427 नए कोरोना केस आए सामने, 62 लोगों की गई थी जान। फिर लगी पेट्रोल और डीजल के दामों में आग, 35-35 पैसे प्रति लीटर बढ़े दाम। पिछले एक सप्ताह में पेट्रोल और डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का इजाफा, तेल भराने में जा रहा जनता की कमाई का पैसा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 109.69 रुपए हुआ। डीजल भी दिल्ली में महंगाई का शतक जड़ने को तैयार, दिल्ली में 1 लीटर डीजल का दाम अब 98.42 रुपए। बालाघाट में नहीं बूझ रही पेट्रोल और डीजल के दामों में लगी आग, बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल का दाम 121 रुपए के करीब। बालाघाट में सेंचुरी लगाकर महंगाई की पिच पर डटा है डीजल, 1 लीटर डीजल का दाम 110.22 रुपए। दिल्ली में एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 266.50 रुपए की बढ़ोतरी, एक सिलेंडर का दाम 2,000 रुपए के पार पहुंचा। प्रियंका गांधी ने उठाया महंगाई का मुद्दा, यूपी में महिलाओं के नाम लिखा खुला खत, उत्तर प्रदेश की मेरी प्रिय बहनों आपका हर दिन संघर्षों से भरा है, आपके लिए कांग्रेस ने अलग से एक महिला घोषणा पत्र तैयार किया है। प्रियंका ने महिला घोषणा पत्र में किया वादा, कांग्रेस की सरकार बनने पर साल में 3 भरे गैस सिलेंडर दिए जाएंगे मुफ्त। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में सरकारी बसों में महिलाओं के मुफ्त यात्रा की वादा, आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को हर महीने 10,000 रुपए वेतन का वादा। कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र में छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी का भी किया वादा। कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में नए सरकारी पदों पर 40% महिलाओं की नियुक्ति का भी वादा, आरक्षण के प्रावधानों के मुताबिक होगी नियुक्ति। बुजुर्ग महिलाओं को प्रियंका का तोहफा भरा वादा, कांग्रेस के महिला घोषणा पत्र में वृद्धों के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह वृद्धा और विधवा पेंशन का वादा। प्रियंका गांधी यूपी में टिकट वितरण में पहले ही 40% महिलाओं को टिकट देने का कर चुकी हैं ऐलान। यूपी के लिए प्रियंका ने दिया नया चुनावी नारा, लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के जरिए कांग्रेस ने महिला सशक्तिकरण पर दिया जोर। कल गोरखपुर में बीजेपी पर प्रियंका गांधी ने किए थे करारे वार, कहा 7 साल में गंवा दी 70 साल की मेहनत। मैं कहती हूं कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 साल में गंवा दी है। योगी के गढ़ में प्रियंका गांधी की बड़ी प्रतिज्ञा, कहा मैं मर जाऊंगी जान दे दूंगी लेकिन बीजेपी के साथ कभी नहीं कर सकती गठबंधन। मैं एक मत पर खड़ा करके कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी जान दे दूंगी लेकिन भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावटी करूंगी। यूपी चुनाव के लिए आरएलडी ने जारी किया संकल्प पत्र, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा। यूपी की सियासत में जिन्ना की फिर एंट्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बताया फ्रीडम फाइटर, महात्मा गांधी और सरदार पटेल से की तुलना। हरदोई में अखिलेश ने जिन्ना की शान में पढ़े कसीदे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और पटेल से की जिन्ना की तुलना। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़कर के बैरिस्टर बनकर के आए। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर हमलावर हुई बीजेपी, मोहसिन रजा का ट्वीट, देश
समझ ले जिन्नावादियों की हकीकत। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कसा तंज, कहा अखिलेश के ज्ञान को सुनकर अपना सर पकड़ लेंगे खुद मुलायम सिंह। अयोध्या में पंचायत आज तक के मंच से, सीएम योगी का विरोधियों पर बड़ा हमला, कहा राम का विरोध करने वालों को जनता ने बना दिया जीरो। और जिसने राम का विरोध किया उसकी दुर्गति भी हुई है और जनता जनार्दन ने उसको जीरो भी बना दिया है। पंचायत आज तक के कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, किसी देश के समर्थन में नारेबाजी बर्दाश्त नहीं। दुश्मन देश के बारे में का यशगान कर रहे हैं तो इस प्रकार की सर्वनाक स्थिति को नहीं स्वीकार किया जाएगा, देशद्रोह की श्रेणी में आएगा। सीएम योगी ने यूपी चुनाव में 325 से ज्यादा सीटों पर जीत का किया दावा, कहा पंचायत चुनाव में दिखी झलक। G20 समिट के बाद अब COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन में गूंजेगा नमो मंत्र, हिंदी में होगा पीएम मोदी का भाषण, ग्लासगो पहुंचे प्रधानमंत्री। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले नुकसान के मद्देनजर अहम है पीएम का ग्लासगो दौरा, भारत पर टिकी हैं दुनिया की नजरें। कई अहम मुद्दों पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से भी पीएम मोदी करेंगे बात, शाम को होगी द्विपक्षीय वार्ता। भविष्य के लिए रोड मैप बनेगा, कैसे दे विश्व को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहिए और कैसे विकसित देशों को विकासशील देशों की सहायता करनी चाहिए। आज रात लीडर्स एक्शन एंड सॉलिडिटरी इवेंट में भी हिस्सा लेंगे प्रधानमंत्री, कार्यक्रम में होगा पीएम का संबोधन। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स से डिस्चार्ज हुए, महीने की शुरुआत में हुए थे भर्ती। आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एनआईए का एक्शन, जम्मू कश्मीर से दो और गिरफ्तार। 20 दिन बाद पुंछ राजौरी राजमार्ग पर आवाजाही शुरू, पुंछ में मुठभेड़ की वजह से कर दिया था बंद। शहीद लेफ्टिनेंट ऋषि रंजन सिंह के परिजनों से बेगूसराय में मिले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नौशेरा सेक्टर में एलओसी के करीब विस्फोट से हो गए थे शहीद। राजस्थान के हनुमानगढ़ में 10 से 12 पाकिस्तानी गुब्बारे और बैनर मिले, पुलिस ने जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, राजीव बैनर्जी टीएमसी में लौटे, अगरतला में अभिषेक बैनर्जी के सामने ली पार्टी की सदस्यता। टीएमसी में घर वापसी के बाद बोले राजीव बैनर्जी, बीजेपी में शामिल होना एक गलती थी, ममता का किया शुक्रिया। केरल और पश्चिम बंगाल की खाली राज्यसभा सीट के लिए तारीख का ऐलान, 29 नवंबर को पड़ेंगे वोट। बांकुड़ा में टीएमसी नेता की पीट पीट कर हत्या, सत्ताधारी दल ने बीजेपी पर लगाए आरोप। गोवा में आम आदमी पार्टी ने लगाया जोर, आज पहुंचेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। झारखंड के खूंटी में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत, हाईवे पर दो ट्रकों के बीच आमने सामने हुई टक्कर, भीषण हादसे के बाद ट्रक में ही फंस गए थे दोनों ट्रकों के ड्राइवर, हाईवे पर गलत दिशा से आ रहा था एक ट्रक। हादसे में एक ड्राइवर ने फौरन तोड़ा दम, दूसरा ड्राइवर सीट और स्टीयरिंग के बीच बुरी तरह फंस गया, देर तक मदद की गुहार करता रहा लेकिन निकाला नहीं जा सका और उसकी भी मौत हो गई। अमृतसर पुलिस ने सुलझाई एक युवक की मौत की गुत्थी, आईफोन बेचने के दौरान खरीदार की बदली नियत, पैसे देने के बजाय कत्ल कर छीना था फोन। यूपी के अमरोहा में संदिग्ध परिस्थिति में मिला 16 साल की नाबालिग लड़की का शव, परिजनों ने हत्या के बाद शव को पेड़ पर लटकाने का लगाया आरोप। यूपी के औरैया में समाजसेवी संगठनों ने शहीद पार्क में जलाए दीप, 5100 दीप प्रज्वलित कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। समीर वानखेड़े के एससी सर्टिफिकेट को उद्धव के मंत्री नवाब मलिक ने फिर बताया फर्जी, कहा मैं अपने बयान पर अब भी कायम। मैं अपने बात पे कायम हूँ कि वे एससी के सर्टिफिकेट पे फर्जीवाड़ा करके उस पद पे बैठे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से समीर वानखेड़े की पत्नी और पिता ने की मुलाकात, दिखाए अपने प्रमाण पत्र। पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि मैं अभी पिक्चर में आया नहीं हूँ। नहीं, आपने बोला कि भाई पिक्चर अभी बाकी है तो मेरा रोल अभी पिक्चर में बाकी है। मुंबई में एससी राष्ट्रीय आयोग के वाइस चेयरमैन अरुण हल्दर से मिले सचिन वानखेड़े, पूरे परिवार के साथ आवास पर जाकर की मुलाकात। उमा भारती ने ड्रग्स केस को लेकर नवाब मलिक पर साधा निशाना, कहा जांच को प्रभावित कर रहा है महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर कसा तंज, कहा अच्छा नहीं लगता कमलनाथ का रोता हुआ चेहरा।
अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस लौटी रजनीकांत, प्रार्थना करने वाले फैंस को धन्यवाद कहा, कहा इलाज पूरा हुआ अब मैं स्वस्थ हूँ। पंजाब में पुलिस को सीएम चन्नी की सख्त हिदायत, दिवाली के नाम पर ना करे वसूली, छोटे दुकानदारों को परेशान करने पर सख्ती। धौलपुर में पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी के जीते हुए सदस्यों ने अपने ही प्रत्याशी को हरवाया, नोटा में डाले 12 वोट। बुलढाणा में मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी, बारिश की वजह से बर्बाद हुई कपास और सोयाबीन की फसल। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल के खिलाफ प्रदर्शन, किसानों ने दिखाए काले झंडे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की। बरनाला में भी सरकार के खिलाफ फूटा किसानों का गुस्सा, सीएम के पोस्टर पर पोती कालिक, मुआवजे को लेकर गुस्सा। नोएडा में गुर्जर स्वाभिमान समिति की महापंचायत, दिवाली न मनाने का ऐलान, बीजेपी नेताओं के सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार का प्लान। कानपुर में जीका वायरस के 6 नए केस सामने आने से हड़कंप, अब तक 10 लोग हो चुके हैं बीमार। दंतेवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान 3 महिला नक्सली ढेर, 15 लाख रूपये का था इनाम। यूपी में 9 रेलवे स्टेशनों और मंदिरों को उड़ाने की धमकी के बाद हरकत में आई पुलिस, हापुड़ में भी चला चेकिंग अभियान। इंदौर में फर्जी चेक के जरिए 31 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश, एसबीआई बैंक अधिकारियों ने किया पुलिस के हवाले। लखीमपुर खीरी में स्कूल के लिए निकली 3 छात्राएं एक साथ लापता, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज, सर्च ऑपरेशन में जुटी पुलिस की चार टीमें।